गिवन है, तो वो हम सिंस स्टार्ट करेंगे, और अगर हम कुछ मान रहे हैं तो उसे हम लेट मानेंगे। तो यहाँ पे होगा सिंस ए एन, एंड क्या बी एन, ये हमारा क्या है आर टू कंजिक्यूट, आर टू कंजिक्यूटिव बोले कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, सो लेट अस सपोज दैट क्या होगा, सपोज कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे लेट, देखिए लेट आया ना, जो हम खुद से सपोज कर रहे हैं, गिवन कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो हम खुद से सपोज कर रहे हैं क्या कि लिमिटिंग जो हमारा होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन है, इसका जो वैल्यू है वो हम ए मान ले रहे हैं। ठीक, इसका वैल्यू एल होता था, ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे ए मान रहे हैं, एंड क्या मान रहे हैं, एंड लिमिटिंग जो हमारा है एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो हमारा बी एन का लिमिटिंग है ना, इसे हम मान रहे हैं बी, ठीक है, इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं। ओके, देन नाउ वी हैव टू प्रूव, हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, देखिए लिमिट जो हमारा है एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन इक्वल क्या करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा बी एन, ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए दैट इज क्या कि हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम ये जो फॉर्मेशन है ए और इसे हम बी माने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, सिंस क्या हो जाएगा कि लिमिट जो हमारा है एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए माने हुए हैं, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू बी माने हुए, तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसे इरेज करते हैं, देखिए लिखेंगे देयरफॉर लिमिट जो हमारा होगा क्या कि एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो हमारा होगा कि बी एन, ये बी एन क्योंकि यहाँ पे बड़ा है बी वाला टर्म्स, ये बड़ा है, तो बी एन माइनस हम करते हैं ए एन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बी एन ये जो लिमिटिंग इसका है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है बी है, और इसका जो वैल्यू ये बी एन लिमिटिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी ये ए एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी एन के साथ भी, तो बी एन ये वाला टर्म्स के लिए हमारा वैल्यू हमारे पास देखिए बी है दिया हुआ, ठीक है, ये बी दिया हुआ है और इसके लिए वैल्यू हमारे पास ए, ठीक है, हम एक्चुअली में माने थे सपोज किए थे, तो ये हमारा बी माइनस ए हो गया। ओके, देन लिखेंगे सिंस ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, ये हमारे क्वेश्चन में था, सिंस ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन अगर रहेगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे जीरो, ठीक है, ये जो ए एन है हम उधर ले जाते हैं, मीन्स क्या कि बी एन माइनस ए एन ले जाते हैं, ठीक है, बी एन माइनस ए एन हो गया, ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मीन्स क्या हो गया कि हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा ना, जीरो से बड़ा है मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, ठीक, जीरो से बड़ा हो गया, ठीक है, फॉर ऑल एन के लिए, देन देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये हमारा बी एन माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा जीरो से बड़ा हो गया, इसमें हम लिमिटिंग ले लिए, देन तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा बी एन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा ए एन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि ये वाला टर्म्स को हम उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, ये जो ए एन वाला टर्म्स है हम उधर ले जाते हैं, तो इम्प्लाइज करा देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा क्या कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा ए एन। प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था क्या क्वेश्चन में, देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि बी एन उधर लिखा हुआ था और ए एन इधर लिखा हुआ था, मीन्स क्या है जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना आपको भी सेम एज इट इज वैसे ही फॉर्मेट कर देना है क्वेश्चन में, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्प्लाइज
क्या था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन था, तो लेस देन तो है ही, लेस देन इक्वल, और ये हमारा लिमिट हो जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा बी एन प्रूफ्ड। कितना इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है, 4-5 मिनट में प्रूफ हो गया और समझ में भी आया कि कैसे कैसे प्रूफ किए इसको, ठीक है। तो समझ में आया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, आप सबसे पहले देख सकते हैं, और जितना 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 ज़्यादा रिविज़न होगा तो उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक।